Please subscribe and press the bell icon for more updates from Shailesh Pandya Abhinash. नमस्कार दर्शक मित्रों, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास में कथा शुरू करिए शैलेश पांड्या अभिनाश यूट्यूब चैनल पर। अध्याय पहलो सुद एक आजनो पाठ नैमिषारण्य मां यज्ञ। नैमिषारण्य मां यज्ञ करवानी इच्छा थी भृगु अगस्त्य कपिल कात्यायन गौतम कौशिक अत्रि गर्ग जमदग्नि भारद्वाज सौनक जैमिनी उद्दीलक आदि अनेक ऋषि मुनिओ और तपस्वी पोताना शिष्य समुदाय साथ अहीं एकत्र थया हता। तेवी यज्ञ करवानी तैयारी करी रहा था ते समय श्री व्यासजीना शिष्य श्री सुत पुराणी त्यां पोताना शिष्यों साथे पधार्या। तेमने जोता त्यां एकत्र थयेल बधा मुनिओ एकदम उभा थई तेमने विंटड़ाई वड्या अने तेमनी समक्ष कोई हितकारक अने जगतनुं कल्याण थाय एवी कथा संभळावानी इच्छा व्यक्त करी। ऋषि मुनिओनी कथा सांभळवानी इच्छा जाणी सुत पुराणीए कह्युं, हे मुनि श्रेष्ठो, आपनी आकांक्षा घणी उत्तम छे, जेनाथी जगतनुं कल्याण थाय तेवो मार्ग अति उत्तम छे। हुं पण आवा कल्याणकारक उद्देशथी तीर्थयात्रा अर्थे निकळेल छुं। हुं पुष्कर मथुरा प्रयाग काशी गया आदि तीर्थक्षेत्रोमां गयो हतो, पछी दक्षिणमां तथा पूर्वमां बधा तीर्थक्षेत्रमां फरी बद्रिकाश्रम गयो हतो, त्यांथी सरस्वती नदी किनारे आवेल सिद्ध क्षेत्रे सिद्धपुर गयो हतो, त्यांथी हस्तिनापुर गयो हतो। त्यां मने खबर मळी के राजा परीक्षित राजपाट छोड़ी ऋषि सापथी मुक्त थवा गंगाजीने किनारे गया छे। व्यासजीना 16 वर्षना दिगंबर अने तेजस्वी पुत्र श्री सुखदेवजी कथा कहेवाना छे। अहीं अनेक ऋषि मुनिओ तपस्वीओ कथा सांभळवा एकत्र थया हता। हुं पण कथानो लाभ लेवाना आशयथी त्यां जई पहोंच्यो। एक ऊंचा आसन पर श्री सुखदेवजी बिराजमान हता। आसपास अनेक ऋषि मुनिओ ने तपस्वीओ साथे राजा परीक्षित पण बैठा हता। राजा परीक्षिते श्री सुखदेवजी समक्ष जीवन मुक्ति थाय तेवी कथा संभळावा विनंती करी। आ विनंती ने मान आपी श्री सुखदेवजीए श्रीमद भगवत कथानो आरंभ कर्यो। आ श्रीमद भगवत कथा 7 दिवस चालेल। 7मे दिवसे परीक्षित राजानी जीवन मुक्ति थई ते मैं प्रत्यक्ष जोयुं हतुं। ते मारा सांभळवामां आव्युं के नैमिषारण्यमां जग कल्याणार्थे यज्ञ थई रह्यो छे अने तेमां अनेक ऋषि मुनिओ एकठा थनार छे। आप बधाना दर्शनना हेतुथी हुं अहीं आव्यो छुं। हुं आपना दर्शन करीने कृत्य थयो छुं। श्री बृहन नारदीय पुराणना पुरुषोत्तम महात्मानो नैमिषारण्यमां यज्ञ नामनो पहेलो अध्याय संपूर्ण। हवे पुरुषोत्तम मासनी आपणे थोड़ी स्तुति करिए। श्री कृष्ण सर्वत्र तमे छो, एकाक्षर ओंकार तमे छो, महर्षियों में प्रभु तमे छो, यज्ञों में जप यज्ञ तमे छो, श्री कृष्ण सर्वत्र तमे छो। सेनापति में कार्तिकेय ने जड़ाशयों में समुद्र छो, पुरोहितों में बृहस्पति छो, श्री कृष्ण सर्वत्र तमे छो। वेदों में तमे सामवेद छो, आदित्यों में विष्णु छो, तेजपुंज में सूर्य तमे छो, श्री कृष्ण सर्वत्र तमे छो, श्री कृष्ण सर्वत्र तमे छो। जय पुरुषोत्तम।